ये देखिए, जेसीबी लगी हुई खुदाई कर रही है और एक तरफ रोड बन चुकी है, दूसरी तरफ रोड की तैयारी चल रही है। तो बहुत जल्दी ही साइड भी बनने का तैयार हो जाएगी और पूरा ऐसे ही सीधे रोड बनाएगी। आरसीसी रोड बनी हुई है और आगे है देवकाली माँ का मंदिर। नमस्कार, जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है एक और नए डेवलपमेंट वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में दिखाएंगे जो देवकाली रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, किस तरह से कार्य चल रहा है। तो चलिए आरंभ करके दिखाते हैं। तो इस समय जहाँ ब्रिज खत्म होता है वहाँ पर है और वहाँ से ले चलते हैं आपको देवकाली तक, दिखाते हैं बाईपास तक किस तरह चीज़ें हो रही हैं। और देखिए, एक तरफ ये रोड बन चुकी है पूरी, ऐसे जो आरसीसी वाली थी बन गई है और दूसरी तरफ का कार्यक्रम तैयारी चल रही है। और देखिए, इस साइड में आप लोग को पूरा ऐसे बने हुआ देखने आएगी। तो अभी बहुत सारे काम इसमें बचे हुए हैं, किनारे नाला बन गया है और इस तरफ भी रोड नीची ही है और इस साइड से लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, उस तरफ से भी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन आगे काम चल रहा है। तो वो सब भी आप लोग को दिखाते हैं किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं। अयोध्या बहुत तेज़ी के साथ डेवलपमेंट का काम चल रहा है हर तरफ, तो धीरे धीरे कर कर पूरे अयोध्या का चौड़ीकरण हो जा रहा है। तो ये रोड का बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी व्यस्त रूट है ये, तो इस पर ही काम चल रहा है। ऐसे ही कई सारी दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और पीछे भी रिलायंस डिजिटल दिखाया आप लोग को, रिलायंस का स्टोर है बड़ा सा वो है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। देखिए, पूरा ऐसे पूरा दोनों तरफ से दुकानें हैं और बीच में ये आरसीसी रोड बनी हुई है। पहले बीच में पतली सी रोड थी, अब चौड़ी रोड हो जा रही है और बगल में नाला बना हुआ है, साइड भी नाला बना हुआ है और बीच में एक तरफ से रोड बन गई है और दूसरी तरफ देखिए ये तैयारी चल रही है। सब पूरी गिट्टी उट्टी डाली गई है और यहाँ खोदा जा रहा है, ऐसे खोद कर फिर गिट्टी डालकर तब अच्छे से मजबूत रोड बनाई जा रही है। काफ़ी ज़बरदस्त और टिकाऊ रोड होगी। तो कुछ इस तरह दोस्तों चल रहा है, देखिए पूरा इस चीज़ें। और यहाँ पर देखिए पूरा लगी हुई है जेसीबी खोदने में और पूरा ऐसे ही बना रही है। तो अभी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है रोड पूरा और देखिए पूरा कितना गड्ढा खोद रही है, पूरा ये मिट्टी निकाल रही है। यहाँ पर नाला वाला टाइप कुछ था, पानी बहुत भरता था, तो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि रोड बैठे उठे ना तो अच्छे से बन जाए। और यहाँ सब ढेर सारी गिट्टी उट्टी पड़ी हुई है और इस तरफ से पहले यहाँ सब काफ़ी आगे दुकान वकान हुआ करती थी, अब सब थोड़ा टूट गई है, पीछे हो गई जिनका जो बचा था। देखिए यहाँ पूरा इसको तो यहाँ घेर घेर कर ऐसे ही, तो अब लोग इधर से आ जा रहे हैं जो रोड बन चुकी है, इसी पर देखिए लोग आ जा रहे हैं ऐसे ही पूरा। और अच्छी रोड बनी है, बढ़िया से इसी मोटी सी रोड बनी है। और हमारे बाएँ साथ में माँ बड़ी देवकाली की मंदिर है जो भगवान श्री राम की कुल देवी मानी जाती है। और ऐसे ही रोड सीधे आप लोगों को ले जाती है NH 27 तक मिला देती है। और जो लोग लखनऊ को जाना चाहते हैं इधर से निकल सकते हैं, जो लखनऊ से सीधा आकर अयोध्या चौक आना चाहते हैं इधर से आ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रूट है ये। और ऐसे सीधे हम लोग चलते हैं आप लोग को दिखाते हुए चीज़ें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और ये देखिए भैया साइकिल लेकर जा रहे हैं, बच्चों की साइकिल है। और यहीं से अभी रास्ता जाता है जो देवकाली मंदिर जाता है, वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो मेन हम पहुँच चुके हैं, ये देखिए ये रास्ता जाता है ना, ये ऐसे ये बगल में जाता है, ऐसे ही देवकाली मंदिर है और सीधे ऐसे जाता निकल जाता है, फिर ये रामपथ भी जाके मिल जाता है। तो शायद इसका रोड का भी चौड़ीकरण जल्द ही होगा, हमें उम्मीद लग रही है, क्योंकि जितने भी रामपथ से रोड लिंक है सबका चौड़ीकरण हो रहा है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो बड़ी देवकाली भगवान राम की कुल देवी हैं, तो यहाँ भी लोग घूमते हैं और दर्शन करते हैं माता रानी का। तो कुछ इस तरह दोस्तों चीज़ें बदल रही हैं और देखिए साइड में कितना ज़्यादा टूटा उटा हुआ है। तो यहाँ सब काफ़ी लोगों की दुकान हुआ करती थी, टूट गई है अब धीरे धीरे करके लोग अपना बनवा रहे हैं फिर से। और इस तरह से दोस्तों अयोध्या में बहुत चीज़ें बदल रही हैं, रोज़ की रोज़ नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। तो फटाफट हम लोग आप लोग को दिखाते रहते हैं, अपडेट देते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ पा रही थी, हमारी तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी। तो अब जो भी वीडियो है आप लोगों को मिस ना होने पाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। तो इस पथ पर आप लोगों को मिल जाएगा पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे यहाँ पर। अब अभी CNG नहीं है इस पथ पर, बाकी और अयोध्या वाले पे तो CNG भी मिल जाएगी आप लोगों को। ऐसे ही दोस्तों आप लोग सीधे चलेंगे तो आगे बालाजी फैक्ट्री मिल जाएगी बिस्किट की। और यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जो सामान यहाँ बहुत सारी ज़रूरत के मिलते रहते हैं, जो लोग दैनिक इस्तेमाल में सामान होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाती है आसान से। मार्केट है अच्छी खासी देवकाली। तो पूरा ऐसे ही चीज़ें बदल रही हैं अयोध्या में, देखिए कितनी तेज़ी के साथ। 13 करोड़ लंबा राम पथ बन रहा है राम मंदिर जाने के लिए, तो उससे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जितने भी पथ जुड़े हुए हैं सबका चौड़ीकरण किया जा रहा है, क्योंकि ये भी रोड जाके जाके रीडगंज होते हुए राम पथ मिल जाती है, तो इसलिए इसका भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। सीधे इधर से चौक भी आप लोग जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों अयोध्या का डेवलपमेंट चल रहा है। तो ये आगे पाले जी फैक्ट्री के पास हम पहुँच चुके हैं, जो लोग लोकल होंगे जानते होंगे ये है पाले जी बिस्किट फैक्ट्री। और देखिए ये यहाँ पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं इस पर, ऐसे ही कितना देखिए जाम लगा रहता है, जब तक पूरी तरह बंद नहीं जाएगी, व्यवस्थित नहीं हो जाएगा तब तक जाम का थोड़ा सा समस्या बनी रहेगी।
बनने के बाद उम्मीद की जा सकती है शायद जाम कम लगे, लेकिन जिस तरह से भीड़ बढ़ती जा रही है तो उससे निजात मिलने की उम्मीद कम दिख रही है, क्योंकि रोज़ का रोज़ एकदम भीड़ बढ़ती जा रही है। जब राम मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा उसका तो बहुत तेजी के साथ भीड़ बढ़ेगी। तो हम चलिए यहाँ पर लग गया जाम, बगल से उतरते हैं फिर इस साइड से चलते हैं आप लोग को दिखाते हुए। तो हम फाइनली उतर चुके हैं, नई वाली रोड से पुरानी वाली पे आ चुके हैं फिर से, और यहाँ से पूरा ऐसा जाम लगा हुआ है कि रोड इस साइड बन चुकी है, इस साइड अभी बनना बाकी है, तो बहुत जल्दी बन जाएगी क्योंकि अभी बनना शुरू हो चुका है उस साइड में। और सामने ये जा रहा है ब्रिज NH-27 का, सीधे आप लोग जाएंगे तो अम्बेडकर नगर की तरफ चले जाएंगे, और हमारे दाहिने हाथ लखनऊ की तरफ जाता है और बाएं हाथ ये अयोध्या की तरफ जाता है। इधर से भी साकेतपुर कॉलोनी होते हुए एक रास्ता आता है सीधा रामपथ मिलता है, और आगे जाके मोहब्रा बाजार से भी एक रास्ता आता है जो रामपथ में मिल जाता है। तो अगर आप लोग अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो सीधा आप लोग मोहब्रा वाले रास्ता जाइए, बहुत सही रास्ता है वो, सीधा आप लोगों को मल्टीलेवल कार पार्किंग पहुँचाएगा, वहाँ से आप लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, पूरा अयोध्या आसानी के साथ घूम सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोग को अपडेट दिया जो नया चौड़ीकरण हो रहा है देवकाली रोड का, तो कोई इस तरह से चीज़ें हैं, और एक इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है और सामने ये ब्रिज है, सीधे हम अगर हम जाते हैं तो अम्बेडकर नगर की तरफ चले जाएंगे। आगे सूर्यकुंड भी पड़ता है ऐसे ही आगे यहाँ से थोड़ा सा दूर पर सूर्यकुंड है, काफ़ी अच्छी जगह है, बढ़िया डेवलपमेंट कर दिया गया है वो भी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तो ये था अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है देवकाली रोड का चौड़ीकरण, इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को दिखाया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।